दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल और अय्यर को अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा ने दिलाई तूफानी शुरुआत, तो शुभमन गिल ने निभाया साथ, कोहली ने पूरा किया शतक, तो अय्यर ने छक्के चौकों की करी बरसात। तो इस पर आखिर क्या बोले दुनिया भर के दिग्गज, कुछ ने करी तारीफ, कुछ ने बोला ऐसा कि जानकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों आखिर आपको पूरे बयान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और अय्यर में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर शुरू हुआ, और दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। हालांकि एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया को चुनौती देती हुई न्यूजीलैंड की टीम नजर जरूर आएगी, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाज तो आज भारत के खिलाड़ियों के आगे अपने घुटने टेकते हुए ही नजर आए। दरअसल दोस्तों मैच की शुरुआत जब हुई तब आते से ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज प्रहार करना शुरू कर दिया। इस दौरान पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने 10 रन बटोर लिए थे और ऐसा लगने लगा कि रोहित शर्मा आज शतक पूरा करेंगे, और ऐसा करते हुए वो नजर भी आ रहे थे। यहाँ पर रोहित शर्मा मात्र 29 गेंदों में 4 चौके 4 छक्कों की बदौलत 47 रन पर जा पहुंचे, लेकिन दोस्तों उनको टीम साउदी ने केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया और रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा। तो वहीं यह विकेट गिर जाने के बाद उतरे विराट कोहली, जहां विराट कोहली और शुभमन गिल साझेदारी को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे, और दोनों बल्लेबाजों ने शुभमन गिल के रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 93 रन की साझेदारी कर ली थी, लेकिन यहां पर शुभमन गिल 79 रन पर रिटायर्ड हर्ट होकर हैमस्ट्रिंग खिंच जाने की वजह से वापस लौट गए, यह साझेदारी फिर हो नहीं सकी। हालांकि फिर उतरे सुरेश अय्यर, जिन्होंने विराट कोहली का साथ निभाया और दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। इस दौरान अय्यर ने अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले, और इस दौरान सेमीफाइनल मुकाबले में ऐसी बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखकर बिल्कुल भी एक समय के लिए नहीं लगा कि यह मुकाबला सेमीफाइनल का है और भारतीय बल्लेबाज दबाव में भी हैं। और दोस्तों यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 40 ओवर के भीतर तो टीम इंडिया ने 300 रन का आंकड़ा पार कर दिया था, और भारत की टीम ने यहां इतना बड़ा स्कोर सेमीफाइनल में बना दिया, जिसके ऊपर अब दुनिया भर के दिग्गजों ने अपनी राय रखी है। और इस दौरान आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी दिग्गजों और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भारत के दिग्गजों ने क्या कहा। इस दौरान पहला बड़ा बयान निकल कर आता है, वो है शोएब अख्तर का, जो कहते हैं कि आज सभी पक्ष भारत के हित में रहे हैं। अगर रोहित शर्मा टॉस ना जीते होते तो केन विलियमसन पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी चुनते। यहां पर पूरा खेल टॉस का ही था और भारत ने जैसे ही यह टॉस जीता उन्होंने 90% यह मैच भी अपने नाम कर लिया। और फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली की ऐसी बल्लेबाजी न्यूजीलैंड जैसी टीम के आगे आएगी तो उनके गेंदबाज तो घबरा ही जाएंगे। अब शुभमन गिल को ही ले लो, वो अकेला बंदा शतक के इतना नजदीक था, जाने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा की एक आवाज पर वो हैमस्ट्रिंग खिंच जाने की वजह से अपना शतक अधूरा छोड़कर वापस गया। और फिर आकर सुरेश अय्यर ने जैसी बल्लेबाजी की उसे देखकर तो लगने लगा कि अब भारत की टीम को इस वर्ल्ड कप में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। सेमीफाइनल मैच भारत जीता मैं खुश हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे भाई है वो भारत की बल्लेबाजी है, जिसमें विराट कोहली ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा मेरा पाकिस्तान तो वैसे भी बाहर हो चुका है, लेकिन आज मैं भारत की बल्लेबाजी देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। विराट कोहली के बल्ले से शतक देखना मेरा सेमीफाइनल में अधूरा सपना था, जो कि आज पूरा हो चुका है। रोहित शर्मा जिस तरह की शुरुआत भारत को दिलवाता है उसी से टीम को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। अब तो ऐसा लगता है कि भारत 600-700 रन भी बना देगा फाइनल मुकाबले में। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है वीरेंद्र सहवाग का, जिन्होंने कहा ये केन विलियमसन की टीम की यही हकीकत है कि वो खेलना नहीं जानते, हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन दिखाया अब इनको 2019 में हमारी हार याद आ गई होगी। अब न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में वापसी तो छोड़ो, अगर वो 100 रन भी बना पाए इस दबाव भरे मैच में तो मैं उसे काफी बड़ा मानूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम आज 60 रन पर ही ढेर होगी। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने कहा हमारे भारत से जो भी टकराएगा वो बच नहीं पाएगा, 2019 में हमारी गलतियों के चलते हम हारे थे लेकिन इस साल हमने कोई गलतियां नहीं की, शानदार गेंदबाजी की है, और यह देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप का भी फाइनल अब हमारे ही नाम होगा। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कहा टीम इंडिया इस साल वर्ल्ड कप जीतेगी लिख कर ले लो, और जिस तरह से आज विराट कोहली, सुरेश अय्यर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल का बल्ला चलाए वो देख
देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले वक्त में टीम इंडिया के बल्लेबाज और भी ज्यादा घातक हो जाएंगे और वनडे इतिहास में पहली बार 600-700 रन यही बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काफी शानदार बयान बड़े बड़े दिग्गजों ने दिए, और अब आप सभी क्या मानते हैं कि दिग्गज जो कह रहे हैं वो सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।